Hi this is Aslam Khan with lots of mess. Hi this is Etisham Ramzan with Naswari whatever. And you are watching meaningful. meaningful. <laughs> Naswari? <laughs> yes this is like kathi color actually. Naswari is an Urdu word. No, no. पंजाबी अच्छा हाँ, कले, नहीं होता? कलेजी आ, <laughs> आ, Alhamdallillah, final, Alhamdallillah, है? नहीं रंग का साड़ी पहन के फेंकेंगे हम ऐसे धड़ाधड़ाएंगे ऐसे या तो हम तर जाएंगे या हम डूब जाएंगे लेकिन फिर भी स्टिल अच्छा दिस इज गोइंग टू बी लास्ट 2020

Oh uh, the well, uh, preparations which are yes. you know? एंड uh, साथ में हमारे एंडर्स भी चल रहे हैं साथ में बीच में मूवी भी हर हर हफ्ते आ रही है पता नहीं लोगों ने जो शेड्यूल करके रखी थी ना कि दो हजार तेईस में ही रिलीज करनी है वो कह रहे हैं हमने तेईस में ही रिलीज करनी जी। है पता नहीं सुनने में आया ना सूत्रों की मान नहीं था पता नहीं सूत्रों की सच है या नहीं है इस पे हमारी कोई क्योंकि तीन चार दफा वो फिल्म मेरा हफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था शुक्र बस शुक्र है अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह पता ही नहीं चल रहा दिसंबर का

हमारे पास है कंटेंट हमारे पास है इंटरव्यू हमारे पास थोड़े बहुत वायरल ट्रेंड्स भी हैं और आपको फीडबैक शुक्र है अल्लाह का हमेशा की तरह है चलें फिर शुरू करें और आज का जो जूक बॉक्स है yes. उसकी कैटेगरी मैंने दी है आज अरसलान और की मैं देख के फंस गया ऐसा बसे ऐसा बसे पौना घंटा पौना घंटा आज मैं सबसे ज्यादा देर इस चीज पे लगी है बिफोर शूट yeah. और आज की मेरी कैटेगरी है काजल हां सुरमा नोट आ, फिल्म स्टार कॉल काजल 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 सुरमा सुरमा कजला कजला काजल कजरा हां ये काफी सारे नाम है इसके ठीक हाँ, है हाँ, हाँ, हाँ। तो आज हम वो रहती है कैटेगरी जी तो, तो पहला गाना कौन दे रहा है फिर मैं दे दूं आप शुरू करो चलिए मैं पहला कैटेगरी है पहला गाना <laughs> है जी फ्रॉम मूवी मेहंदी वाले हाथ हां हां सॉन्ग नेम इज अ आ, आग। 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 साइमा, yes. और गायासरा जहां ने मेरी बचपन की बड़ी अर्ली मेमोरी में से एक है मैंने ये मूवी साइमा में दो दिन देखी माशाल्लाह माशाल्लाह

ना कोई किया सिंगार फिर भी कितनी सुंदर बड़ा प्यारा गाना संगबाई साधना सरगम एंड पंकज उदास एंड शूट ऑन न्यू लड़की सुनील शेट्टी एंड सुनील शेट्टी थी थी, yes. <laughs> <laughs> थी। <laughs> थे मुझे नहीं पसंद ये गाना अच्छा ना कजरी

आपने पहले यही गाना गा कहा था कि इधर से यही कैटेगरी रखते हैं हां फिर नहीं ये नहीं थी यही था वो तो कोई और था वो तो था मेरी चूना उड़ जाए नहीं नहीं मेरा मतलब आज आज कांसेप्ट कंसीव किया आपने आज का कांसेप्ट इस, इस, इस गाने से कंसीव हुआ है जी ये गाना है फ्रॉम मूवी तो नहीं है कोई सिंगल गाना है एल्बम गाना है और गाने का नाम है ये मीरा काजल हां हां मीरा काजल जजना को कर देना पागल ये बड़ा अच्छा गाना है अच्छा गाना है <laughs> मेरी पलगनी <laughs> आगे चलो ये पलगनी ये पुलगनी है बुलगनी बुलगनी जी नेक्स्ट अगला गाना है मुझे बड़ा फेवरेट इस फिल्म का नाम हम आपके दिल में रहते हैं और इस गाने में काजल ही है और गाना है जरा आंखों में काजल लगा लो सनम सुर्ख चेहरे पे ज़ुल्फ़ें गिरा लो सनम तेरे गालों पे जो काला तिल है वही मेरा दिल है <laughs> वही मेरा दिल। दिल। बड़ा अच्छा गाना है आई रियली लव ये भी अनुराधा पोडवाल में आ सकता था जी जी ये अनुराधा जी ने गाया हुआ है जी जी जी। आँखों में काजल लगा लो सनम साथ हैं सोनू निगम सोनू शानू दा, दा। <laughs> शानू दा।, दा कुमार शानू मैंने सोनू निगम कहे दोनों मिक्स हो गए कुमार चलो कोई नहीं चलो माय नेक्स्ट फेवरेट सॉन्ग इज बाय नूर जहां एंड इस, okay. uh, इस गाने का नाम है कि मैं मैं कजला बाबा में सुनिया मनमोनिया इसके दो वर्जन है हां दूसरा जो है नूरा लाल वाला

एक नूर, नूरा नूरा लाल वाला और एक नरगिस नूर नूरा और नरगिस वाला एक ही अच्छा जी गाना है बचपन की कल्ट क्लासिक्स में से एक है कजरा मुहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजरे ने ले ली मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान ठीक हाँ, है कजरा मुहब्बत वाला अखियों में है ना अच्छा बहुत श्रद्धांजलि दे दी यार श्रद्धांजलि लोगों ने कहा कि मरे हुए लोगों को देते हैं जिंदा को हम देते हैं क्या पुरस्कार नहीं नहीं कुछ और लफ्ज था बड़ा मजे वो कमेंट आ जाएंगे ना देखेंगे माय नेक्स्ट सॉन्ग फुल कजरा यस तेरी आंखों का काजल मन करी से कोई घायल तू सहने सहने मां भर के पता <laughs> नहीं क्या सॉन्ग है आई थिंक ये बैठता था कैटेगरी एक और गाना है सुरमा 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 नडी पाके टरना टरना डरना ये बड़ा एक एक समान में बड़ा, बड़ा हिट हुआ बड़ा हिट था ये, ये हां ये हर रेडी खोती रेडी पे चलता होता तो ये भी एक सुरमा 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 नडी पाके टरना 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 हो हिट एक और गाने की बात हाँ। कर लेते हैं फ्रॉम मूवी बंटी बबली 2005 ओह माय गॉड कैसी नजर से देखा जल की सियाही से लिखी है तूने कितनी बंदों की लव स्टोरिया केसरिया तेर बाई इस गाने को इसी चीज से बैकाश मिला था की वट इज दिसक लव स्टोरी लव स्टोरिया हां तो ठहरा बट ये भी लिरिक्स जो है ना उनके हैं जवेद साहब के काजल नेक्स्ट मैं हमेशा वैशामिया का गाना कर दूं जी, जी जी जरूर कजरा कजरा कजरारे, कजरारे, <laughs> कजरा 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 रे कजरा <laughs> कजरा कजरा रे पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे अच्छा ये गाना और वो गाना मैं दोनों मिक्स कर लेता ना तंदूरी नाइट्स हां खैर ओके आगे है एक गाना मैडम नूर झा कही सोने दशर मच ले दे वे चादी दी सुरमे बड़ा अच्छा गाना है ये वैसे मैडम ने बड़े प्यार से गाया हुआ जी ठीक है तो ये गीत है आप अब पढ़े सोने दशर में काजल है काजल में मेरा, मेरा दिल, दिल है।, है इस तरह तुमसे ही प्यार हुआ था <laughs> ये गाना ऐसे है ये बड़ा फेमस सॉन्ग है किशोर हाँ, कुमार और लता का हाँ, ये सुना गाना जो नहीं सुने होंगे मैं बता दूंगा ये आँख ये हाँ ये, ये काजल हाँ गाजन, 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 गाजन। ये ज़ुल्फ़ी, ये बादल दिमागी मेरे नेवरलूट क्या? दिमागी हर जुगबॉक्स का बात हाँ। बन जाती है किसी ना किसी तरह से और फाल्गुनी भी तकरीबन हो तकरीबन हाँ तो, तो ये गाना है कयामत 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 ये चेहरा ये तेवर ये कातिल अदा चलो <laughs> आगे चले ओके नेक्स्ट सॉन्ग फ्रॉम ये रास्ते हैं प्यार okay. के लास्ट टाइम आपने में यूज़ यूज़ किया गाना इधर कर लेते हैं कैटेगरी बड़ी कन... बड़ी ही लिमिटेड सी, सी है आपको आप बताया किसी की आंखों का काजल बन जाता है। है। <laughs> मुझे बहुत था इस टाइप वो दूध अहमद साउंड किया है चले खैर कोई नहीं प्रॉब्लम <laughs> भी तो ये रास्ते जो प्यार करता हाँ, कविता कृष्ण मूर्ति हाँ बिल्कुल ऐसे कविता कृष्ण मूर्ति अनुराधा पाठक समथिंग समथिंग अगेन मेरी बिंदिया तेरी निंदिया ना उड़ा दे तो के मेरा कजरा मेरा काजल तुझको पागल ना बना दे, दे तो, तो कहना अक्सर ही भूल जाता फिल्म बताओ जरा फिल्म है ये चांदनी एक और गैस देता हूँ तुम्हें हाँ। वैसे ये श्रीदेवी का ही है ना हाँ, हाँ। दूसरी चांदनी नहीं है ये चांदनी नहीं है मिस्टर इंडिया दूसरा भी गैस गलत तीसरा ये लास्ट है वो तो नहीं हो सकती वो वाली मीरा काची लगा रही है वो वाली तो नहीं है आ, वो, नहीं, वो है। नहीं, है ये है वो वाला मेरे हाथ में नो नो वो चांदनी है <laughs> अच्छा <laughs> मैं फिर तुम ही बता दो दिस इज लम्हे लम्हे ओके आपकी बड़ी फेवरेट मेरी बड़ी, बड़ी फेवरेट मूवी है मैं इसलिए वेट कर रहा था कि तुम ये गाना मुझे गाना चाहिए था लेकिन मूड ने ले लिया चलें आप लेकिन कोई नहीं मुझे कोई मसला नहीं हां ठीक कुछ को पागल तो है next, next song है जी वो वो एक गाना गाना कुछ इस तरह से। सुन लो ना मैं बता रहा हूं ना मैं बता रहा सजना के ये मैडम ने बड़ी मेहनत से गाया वैसे बड़ा ही डिफरेंट है शायर किसी बड़ा किसी सोच में खोया होगा तख्ती लिखने बैठ गया है शायर <laughs> उसे क्या पहले कजला पकड़ो उसमें से स्याही निकालो फिर पलकों की एक कलम तोड़ो उसको डबो बीच में हाँ। चलो चल आगे आते हैं आ, एक बड़ा ही आ, एक माया नाज गाना है हाँ। हमें सामने से मिला है वो है सुरमा तेरा कैर मचावे तोड़ तोड़ के सिलिया तो <laughs> लुट दी जावे लुट दी जावे लुट दी जावे उस नदी सर कार दिलानू तो ये भी एक अच्छा खैर कोई नहीं इनके सिंगर का क्या नाम है सुबह जेजीबी यस ये भी हमारे बचपन की ही एक याद है अच्छा मैं देव फिर एक ले, ले लेता हूँ कि एक फिल्म है मोरा हाँ हाँ मोरा क्या लगे नहीं मोरा तो हो गया सॉरी ये कौन सा काजल काजल तेरी आँखों का ये काजल पागल

ग्रीन स्क्रीन का होता है वही खबर पे आओ जी खबरों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली खबर की तरफ आते हैं लास्ट वीक रिलीज हुआ नया फिल्म का ट्रेलर yes. और अब इस वक्त तक एक गाना भी रिलीज हो yes, चुका yes. है तो अब हम बात करने वाले हैं उस ट्रेलर के हाँ, बारे में हाँ। फिल्म की जी डायरेक्टर हैं उमर अली नासिर और फिल्म के राइटर हैं पता नहीं खैर फिल्म की कास्ट में शामिल है जो है अपनी हमारे मुल्क की मौत

आ, कल होना हो हाँ। मैं ये जरूर डालना है आप इस हां वो, वो सेम चुनरियां पकड़ के मतलब उस फिल्म को अभी रिसेंटली 25 साल हुए हैं और आप 25 साल से उधर ही हैं हाँ 25 साल में 20 20 साल हुए हैं 20 साल, साल हुए 25 साल।, साल, साल, साल कुछ कुछ होता है वो है क्या कर रहे हैं आप हां तो ये तो नहीं ना ठीक नहीं नहीं कहा भाई लेकिन ये है कि शूट बड़ा प्यारा हुआ है बहुत खूबसूरत कपड़े शपड़े हाँ। ये वो बहुत अच्छे थे। हर चीज स्पॉट ऑन है हाँ। सिवाय कोरियोग्राफी के कोरियोग्राफी के बहुत हाँ। बुरा हाल है फरियाल ने अच्छा किया फरियाल ने बहुत अच्छा किया। जितना उनको दिया गया उन्होंने अपने काम के साथ Uh, uh, इंसाफ है honesty हाँ, और बाकी मुझे ट्रेलर से भी लग रहा है कि बड़ा कोई अच्छा yes, yes, हाँ, हाँ। और तो एक और बात बताऊ जब से मैंने सुना था ना की ये फिल्म कर रही है और ये फिल्म में आ रही है मैंने कहा क्या कीसेप्ट किया है तो वो ट्रेलर देखे फील हुआ की

आ, वो जो गाना है एक तो है सुन्जरा सुन्जरागम ने गाया हाँ, है अभी रिसेंटली हाँ, के आर के, के फिल्म के लिए और आ, जो असल गाना था वो था बारह साल पुराना हाँ, ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा। ए खुदा, सारी सेम है जी तो एक और जो है चोरी हो गई हाँ, तो कहने लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बारे में इस दफा सोन निगम ने इसको एक्नोलेज किया और उन्होंने कहा मुझे अगर पता होता है तो मैं कभी भी नाता

ਐਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂਨ ਉਠਾ ਕੇ ਸਮਾਰ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਵਾਲੀ ਡਾਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਟਿੰ 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 ਆਈ ਵਿਲ ਐਡ ਥਿਸ ਇਨ ਦਾ ਇਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹਾਂ So yeah, हाँ, बड़ी कॉपियाँ बड़ी कॉपियाँ कभी है। हम इनकी चीजें उठा लेते कभी हमारी चीजें उठा उठाते तो इस, इस एक, एक हाँ। खबर का पार्ट ये भी बना बता बिल्कुल चले नेक्स्ट अब चलें नेक्स्ट अब ये है कि दुबई ब्लिंका सीजन टू आ रहा है हमारे मुल्क के मायानाज मॉडल मॉडल देखना है किसी वीडियो में हाँ। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि हमारे जो स्टार है, उन्हें मुझे काफी सालों बाद मिलना शुरू हो गया फाइनली अब एक टाइम आ गया पाकिस्तान का भी कि पाकिस्तान को भी नेटफ्लिक्स लेवल पे जो है ना वो कंसीडर किया जाता है हालांकि हम है इतनी काबिल हमें कंसीडर किया जाए वो हमारे डायरेक्टर राइटर है

क्या करना पड़ता है मैंने तो ऐसे-ऐसे शक्लें भी देखी जो कुछ नहीं करती पहुंची हुई है यू नो इधर देखो <laughs> मैं मैं पता हाँ। है तुम तो ना भी बताओ तो मुझे पता मैंने भी देखा उसको <laughs> हाँ। तो क्या कहोगे तुम तो? <laughs> पता नहीं मैं भी गया था वैसे एक अच्छा नहीं अब वैसे मैं भी गया था एक हाँ। तो <laughs> नहीं मैं एक चीज इधर सॉरी मैं तो <laughs> मैं दो बड़ा

दो शोज में ही ज़्यादातर रिप्रेज़ेंट होता है। सो तो अगर ये स्टेटमेंट अगर उन्होंने इस तरह के प्लेटफॉर्म पे दिया तो ये एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा कदम है जो उन्होंने उठाया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज की तरह वो कुछ इस तरह से है कि जी आपको पता है शिजाद राय एक जिंदगी ट्रस्ट कर करके उनका एक स्कूल yeah. है जहाँ पे वो अनप्रिविलेज बच्चों को हाँ. तालीम देते हैं पिछले कुछ उनके इंटरनेट पे या ट्विटर mm -hmm. का का okay. उनकी बड़ी की कि कि चेस जो है वो गैम्बलिंग है yeah. जी। लोग पागल जबकि अब तुम्हें है, चेस खेलना चेस खेलना वैसे भी नॉर्मली तुमने तो कभी खेली नहीं अगर खेलते हो तो आपकी आपके माइंड की एक्सरसाइज होती है में सुना बहुत इंटेलेक्चुअल हाँ, जैसे हम फिजिकल तो एक्सरसाइज हाँ, करते हैं न, तो हाँ, आपकी दिखाया गया कि जो हमारे एक हसन रहीम आजकल उभरता हुआ है वो वहाँ पे पहुंचे हुए थे और वो बच्चों को म्यूजिक क्लासेस दे रहे थे वहाँ पे म्यूजिक भी कम्पल्सरी वो बड़ा इंटरनेट ने इस चीज को बड़ा पसंद किया और

बस कर दें कुछ ठीक है बाकी और क्या रह गया कितनी न्यूज देती है मून <laughs> एक आ... रह गई है आपने बताई थी कौन सी जाने जहाँ हाँ। चलो खैर जाने जहाँ की मैं बता दो हाँ। उसकी रिलीज डेट आ गई बाय दिसंबर और उसका सवेरा नदीम का ट्रेलर भी जा, जारी हो गया है तो क्या कैसे लगा आपको बहुत पसंद आया <laughs> मिले बगैर मेरे दिल का आवाज होता है क्या

ठीक है well, आ, uh, जी आ, पहले हम इजी सी चीज़ें कर ले फिर एंड पे गं, गंदी गंदी चीजें कर लें पहले, ले। पहले आप कर ले मिले आपकी मिले। फिल्म पहले जल्दी पुग सकती है हाँ पुग सकती है आ, मैंने देखी एक बहुत क्लासिक मूवी ठीक है फिल्म का नाम है चांदनी बार

जो कि मुमताज नाम है उसका और उसके माँ बाप को कत्ल कर दिया जाता है हिंदू मुस्लिम फसाद के अंदर जी, और 80s उनको 90s, 90s में 1985, something आ, आ, तो 80s वो वो जो है सारा कुछ छोड़ छाड़ के मुंबई शहर में आ जाती हैं और वहाँ पे उनको एक बार डांसर की जॉब मिल जाती है जहाँ से उनकी लाइफ की स्ट्रगल जो है वो शुरू होती है बड़ी ही सैड uh, स्टोरी है बट वेरी शोन वेरी रियलिस्टिकली बहुत खूबसूरती से एक किरदार देखी तुमने पहली दफ़ा देखी यस yes, मैंने पहली दफ़ा देखी एंड hmm. पहली दफ़ा देख के मैं तो स्टंट हो गया तब्बू की एक्सीलेंस देख के द शी पोर्ट्रेट द करेक्टर ऑफ मुमताज़ आई थिंक कोई भी नहीं कर सकता ये वाला करेक्टर जिस तरह जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने इस किरदार को समझा उन्होंने अपनी लाइफ के तीन रज़ yeah. को शो कराया एक उनकी तीन टाइप जो एज होती है वो दिखाई फिर उनकी जवानी दिखाई फिर उनका इवन बुढ़ापा भी दिखाया वो सब इन्होंने इक्वली ब्यूटीफुली शो करवाया और हर एज के अपने आ, उन्होंने डायनामिक्स दा, को बड़े अच्छे तरीके से दिखाया आ, एक्चुअली uh, और ये बार डांसर थी जिनकी शादी ये जो है वो एक गैंगस्टर, आ, से, गैंगस्टर से हो जाती है जिसको बाद में जो है वो कत्ल कर कतल दिया कतल जाता कर है एंड वो चाहती है बेसिकली कि जो मैंने किया है सारी ज़िंदगी बार में नाच नाच के वो मेरी बेटी को ना करना पड़े hmm. और जो मेरे जिस वजह से मेरे शोहर मरा है गह मेरे बेटे वो मेरे बेटे पे रिफ्लेक्ट ना हो और इवेंचुअली एंड पे आपको यही देखना पड़ता है कि जिस चीज़ का डर था वही बात हो जाती है

देख लेते हैं क्या है बेसिकली हॉलीवुड सीरीज है जो प्राइम के ऊपर अवेलेबल है नाइट मैनेजर उसी के राइट्स लिए हैं इंडिया ने और उसको रिक्रिएट किया है आ, इधर आ, इंडिया में इंडिया वालों ने हॉटस्टार के ऊपर इसकी जो कास्ट है वो है आदित्य राय कपूर अनिल कपूर आ, और शो में और कुछ नए से लोग हैं द में वो भी हैं जो मेड इन हेवन में जो हीरोइन होती है मुझे जिसका नाम बड़ा मुश्किल लगता है वो भी है खैर <laughs> वो तो खैर पोस्टर में भी, भी है हाँ. अच्छा खैर उसके अलावा जो है ये जो सीरीज़ है ये एक, आ, एक ऐसे रिटायर्ड नेवी ऑफिसर की okay. की कहानी है जो ए, एक होटल में नाइट मैनेजर की जॉब करता okay. है और वो एक आ, लड़की की हेल्प करते करते उसको पता लगता है कि वो एक आर्म्स आर्म्स डील जो इलीगल uh, जगह जगह मुल्कों में फराहम हो रहे हैं uh, उस माफिया को okay. वो टारगेट करता है और बाद में पता लगता है कि वो जो जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट मुल्कों में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या एग्रीकल्चर मशीनरी के नाम पे आर्म्स डिलीवर कर रहे हैं okay, okay. और बाद में पता लगता है इंडिया भी इस चीज़ का साथ दे रहा है okay. और फिर बाद में पता लगता है कि वो इंडिया के ही खिलाफ हो जाते हैं ठीक okay. है तो बेसिकली मैंने आपको ओवरऑल बता दिया है सो ये ये है So, अच्छा था सीजन शुरू like, uh, okay. में दो तो तीन एपिसोड वर सो गुड hmm. आगे के कोई सात एपिसोड है, okay. है ना वो बोरिंग है अच्छा वो बड़े अनिल मतलब, जो है सा हो जाता है एंड में काफी हर चीज सीधी सीधी लग रही है तो उस हिसाब से, से हाँ बाकी ठीक था इतना गुड बल्कि आप देखें अच्छा है बहुत सारी नई नई चीजें आपको मिलती है श्रीलंका बांग्लादेश श्रीलंका और बांग्लादेश इन्होंने श्रीलंका और बांग्लादेश <laughs> में किया है इंडिया में किया है और एक दो और भी इंटरनेशनल अब बात कर लेते हैं द क्या बोलते हैं <laughs> बिली को थैले से बाहर निकल हाँ हाँ तो जी हम बात करते हैं एनिमल की यस yes. अच्छा लास्ट वीक जब हमने मीनिंगफुल रिकॉर्ड किया हाँ। और जब हमारा सफर खत्म हो गया तो आजकल आप भी टिकटॉक देख रहे होंगे टिकटॉक पे दो गानों की बहुत धूम मची है एक तो वो जमाल कुदू हाँ। जो के ईरानी सॉन्ग है लास्ट खल... नहीं, नहीं, अच्छा, तो हाँ। <laughs> like में तो मैंने कहा फिल्म पहले तो मैंने अभी जब जाना है बाहर तो मैंने सोचा मैं ये फिल्म बाहर देख लूंगा क्योंकि बड़ी लोग तारीफ कर रहे हैं फिर जब मैंने देखा की खबिन निकल के कुछ और कह रही है और मर्द निकल के कुछ और कह रहे हैं तो मुझे लगा कि कुछ, तो कुछ कुछ जो है है जिसकी वेट नहीं हो सकता हाँ। बाय चांस मुझे लग गया हाथ एक अदद इसका एससी वाली कॉपी इसमें सबटाइटल भी थे ओके। और सबटाइटल जब मेरे साथ हाँ। हो फिर किसी तो हम, फिल्म तो मैं गुंगी भी, भी हो तो मैं गुंगी फिल्म भी देख लेता हूँ ठीक है तो वो वाली गुंगी नहीं लोग कुछ और समझ लेंगे ना उस वाली गुंगी के सब भी नहीं होते ठीक है चले उसमें बस एक ही डायलॉग होता है चलो खैर आगे चलते है, नहीं, होते हैं हैं नहीं होते शट अप ओके तो उसके बाद जो है ना खैर मैंने मूवी देखी हाँ। अच्छा मैं ना कुछ अ, कुछ गुड्स है कुछ बैड्स मैं उसके बारे में खुल के पहले गुड से शुरू कर गुड से मैं शुरू कर लेता हूँ इससे अच्छी फिल्म बॉलीवुड में मेकिंग वाइज दो में नहीं बनी ओके ओके एक्टिंग वाइज तीन घंटे बीस मिनट की फिल्म है एक सीन ऐसा नहीं है कि आप बोर हो जाए ओके। okay. एक सीन ऐसा नहीं है आपके बोर हो जाए एक सीन ऐसा नहीं है जिसमें आपको कोई नुक्स निकाल सके oh. फिल्म मेकिंग का मेकिंग वाइज़ ठीक है। एक सीन ऐसा नहीं है कि आप लाइक कहें कि यहाँ डायरेक्टर ने आ, हाथ हल्का रखा okay. है okay. एक सीन ऐसा मतलब हर चीज में आपको परफेक्शन डेडिकेशन हर एवरी क्षण उसमें नजर आता hmm, है पैशन नजर आता है अब फिल्म कहती क्या है वो उस सब चीज पे लानत फेर देता है जो जो आपने है। जो आपने इतनी ज़्यादा है, जो आपने इतनी ज़्यादा ज़्यादा हार्ड वर्क है है मेहनत लेकिन उनको इस लानत से फर्क नहीं पड़ता नहीं। क्योंकि तो उनको ये गालियां के अगर पैसे बनाने हैं तो उनको अच्छा काम करके भूखा नहीं माना नहीं बिल्कुल सही बात है ठीक है फिल्म का नैरेटिव इज वेरी टॉक्सिक है। पिछले 30 -40 सालों से जो एक चली हाँ, हुई है हाँ। जो अपने राइट्स के लिए लड़ रही हैं उन सबको ये फिल्म निगेट करती है हाँ। उस फिल्म इस फिल्म में टॉक्सिसिटी को ग्लोरेफाई किया गया है मैंने इस फिल्म के चलते लोगों के एक जो पॉप कल्चर बन गया है लोग धोती और वो पहन के हाथों में चीज़ें पकड़ के ऐसे बने हुए हैं कि लाइक तबाह कर देंगे बर्बाद कर देंगे लोग ऐसे ऐसे टिकटॉक्स बना रहे हैं कि मैं अपने बाप का बदला लूंगा आफ्टर वाचिंग एनिमल कि मेरे बाप को अगर किसी ने कुछ कहा है तो मैं किसी ने मेरी बहन को छेड़ा तो मैं तो आपके फिल्म का हीरो एक लड़की को कह रहा है मेरे पाँव चाटो हाँ। आपकी फिल्म का हीरो एक जो है अपनी लड़की को इसलिए पसंद कर रहा है कि तुम अच्छे बच्चे पैदा कर हाँ। सकती हो तुम्हारी बॉडी कुछ तरह की है आपके फिल्म का हीरो ये कह रहा है कि शेर व शायरी का ये जो

कि वो बाप के लिए इतना पागल है सिम्बा या आप कह लो कि वो मोला जट बट आपने ह्यूमन बींग्स दिखाया ना इसमें हाँ लेकिन उनकी जो सोच है उनके जो करने के तरीके हैं वो जानवरों वाले हैं हाँ। वो जानवर हैं। मतलब जानवर जिस तरह सोचते हैं ना उन्हें दिखाया ये जानवर है तो फिर भी जानवर दिखाने तो फिर तो जानवर को लो ना एनिमेटेड मूवी दिखाओ उसमें जानवर दिखाओ कुत्ता दिखाओ इसको ठीक है हाँ। भी मैं 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 तो तो बहुत खिलाफ संदीप वांगा के सॉरी इनका पहले भी कोई फैन नहीं था मैं तो अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह के टाइम का इनका इनके 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 जो कॉन्सेप्ट जिस चीज को ये स्केरी बहुत स्केरी है और

मतलब वो इस चीज को कहते हैं कि वाह कितनी अच्छी चीज है ये, हम ये मैं, करेंगे मैं, मैं ये करूंगा मैं तुम ये देखो मून वो कौन सा स्केप होगा जो इस फिल्म में आपको फन देता होगा बिल्कुल आपकी लाइफ में हाँ। क्या है कि उसके स्केप के लिए आप, आप इस तरह की फिल्म देख के एंटरटेनमेंट ले रहे हो आयरनी है ये सीरियसली आयरनी नहीं दुख है, है कि कितना हम हम अंदर से काले हैं मतलब लाइक हमारी सोसाइटी साइकोलॉजिकली कितनी सिक है है हाँ, ट्रू हाँ, कि हम इ, इस इधर से हाँ, 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 हाँ। कौन सा चीजें निकलने के लिए ये ये हमने देखना पड़ रहा है। और हम अमाउंट में yes. देख रहे हैं फिल्म, इंस्पायर फिल्म interest... हो रही है रहे हैं मेरे पास ट्रेंड हैं दो जिसमें देना चाहूंगा वो जूता जी ये देखें ये नया ट्रेंड है ये नो आपने नहीं सीखना ये ट्रेंडिंग नहीं करना ये प्रॉब्लमेटिक चीज है दुख हो रहा है आई एम सो हैप्पी कि मैंने फिल्म पायरेटेड uh, देखी आई एम सो हैप्पी हां पैसे नहीं दिए इस इस, इस कचरे के लिए शिट के लिए यस yes. सॉरी यस yes. yes. चलें चलें लेकिन ये हाँ। दिल रो रहा है मेरा हाँ। जब मैं इस इस तरह की चीजों की तरक्की मेरा दिल रो रोता है कि हमने कहा हम आगे जाना हम, हम, हम चार साल हाँ, पीछे हम कहा मॉरल वैल्यूज हमारी सोसाइटी की कहा है वो सारी चीजें कहीं पे भी नहीं है ये सिर्फ यहाँ पे है लोगों ने तो भूल गए है इसको सिर्फ बुक्स में बुक्स में अब सिर्फ बुक्स में

इतने उन्होंने हसीन कपड़े पहने हुए थे उनकी ज्वेलरी उनके कपड़े एवरीथिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल और वो इतनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह मेरी नजर नहीं हट रही थी उनसे पहली बात दूसरी बात ये कि जो हमारी नाइनटीज की जो हिरोन जी उनकी सबसे प्यारी बात ये कि उनको ना बोलना आता है जी और उनमें सबसे आगे मैं रेशम को लेता हूँ हालांकि हमारे पास रीमा भी हैं हमारे पास मीरा भी हैं बट सबसे आगे उनमें रेशम रेशम सॉरी मैं आपकी बात सॉम वेरी बिग 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 लॉलीवुड सिर्फ रेशम को ही बोलना रेशम को रेशम को बहुत अच्छा बोलना और कौन है मैं नाम लू आ, नहीं मीरा नहीं रीमा नहीं लैला नहीं साहिबा नहीं रेशम बस <laughs> उनका बोलने की तर्ज उनको अपनी जुबान पे फुर भी फुर। कमांड हासिल है उनको अपनी वोकैबुलरी पे कमांड हासिल है Like, इससे पहले मैं शहीरा के इंटरव्यू पे पे इतना इंप्रेस हुआ था कि वो उनको अपनी ज़ुबान हासिल रेशम को अपने काम पे भी अबूर हासिल है उनको अपनी सारी चीजों पर बैठी थी वो मुझे चीज बड़ी आई फिर जो बातें हुई है वो आप कर लें कुछ मैं कर लूंगा में उनसे पूछा गया उनकी अस्तबाजी जिंदगी yes, के हवाले yes. से बट उन्होंने कहा कि वो बहुत डर गई है हाँ, जितनी आज के शोbiz में तलाक हो रही हैं yes. और वो थोड़ा उन उनके अंदर भी वो मैरिज फोबिया है हाँ, हाँ. और आई थिंक आई कैन कनेक्ट टू दैट फोबिया तुम भी बिल्कुल ऐसी है मैरिज uh, हो गया हम देखते हैं जो हम आसपास देखते हाँ हैं तो वो हो जाता है अब मेरे अंदर भी है ये कि मैंने किसी मैंने एक

लेकिन क्या आप शादी करने के काबिल हाँ। हैं और कैपेबल <laughs> है कैपेबल है वो देखना हाँ, बहुत जरूरी हाँ। तो हाँ, हाँ, दे हुई। हुई। और... है सब कुछ होना हाँ। जरूरी है फिर उनके उसकी बात हुई सिलेक्शन ऑफ वर्क की किस तरह का वो काम करना पसंद करती है कि जब उनको गंदा काम ऑफर हो रहा था वो कहती है टीवी पे स्विच कर लिया और खैर बात कह दिया जी खैर बात कह दिया और इसके अलावा उन्होंने अपने जो उनका लंगर का हाँ। सारा समा है उसके बारे में बात की जो बड़ी पसंद आई इतने कुछ लेके जाना इतने गुना चीज भी लेके ना हाँ हाँ। ये ये जाऊना हम बड़े अच्छे तरीके से कनेक्ट होते हैं यार कि बहुत सारे गुनाह ऐसे होते हैं बहुत सारी चीजें जो आप कर रहे होते हैं आपको पता होता है यार गलत है इसका गुनाह मिलेगा ये लिखा गया है गुनाह में लिख गया है

अच्छा ये सीन इधर जरूर से डाल देना हाँ, कि वो वाला सीन जो है हां दैट्स ट्रू ले पानी पी पी जी, तो वो कहती मैंने संजा में ये किया हुआ है सीन पहले इतने साल पहले हाँ, 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 तो वो बड़ी खूबसूरत बात है यार रियली लाइक like. और रेशम देखती हैं काम मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो आजकल जो काम हो रहा है नेटफ्लिक्स के ऊपर या जो ओ के ऊपर वो भी देखती हैं ताकि वो नए जमाने के नए तरीके भी सीख सके एक्टिंग में भी सीख जी, सके जी, तो वो बड़ी अच्छी मुझे बात लगी कि वो जिद्दत लाना चाहती है अपने काम में तो आई रियली लाइक लाइक इंटरव्यू बहुत अच्छा इंटरव्यू जी बस हाँ बोलती रहे आ, उसमें अर्जुन कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा okay. सॉरी सिद्धार्थ राय कपूर आदित्य राय कपूर आदित्य राय कपूर वो तो वो ना सिद्धार्थ मल्होत्रा है नीरज सिद्धार्थ राय कपूर रानी के हस्बैंड है के हस, हस ना ओह हाँ सॉरी 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 नानी के नहीं

Yeah, किसी की मैंने देखी थी हाँ। वो कहते कि ना आ, हम जब बाहर के किसी बच्चे से पूछो ना तो कोई भी चीज करने को बोलो तो वो कम्युनिकेट हाँ। करता करते है, है वो बताता हाँ। है कि यार हाँ, ये वो हाँ। हमारे किसी बच्चे हाँ। को बोलो ना कि भाई हाँ। कुछ करके दिखाओ तो वो करेगा <laughs> यही होता है क्या नाम है आपका अब आपने अपना नाम मैं रख लिया

मैं माँ सफदर की वीडियोस नहीं देखता हूं बट आई थिंक तुम ना जरा हमारी हम, कन्वर्सेशन लिए लिए कर, हाँ, तेरी मेरी कहानियां एक सौ के बाद आ, मुझे खलील अखरमान कबीर का लिखा सीरियल देखने का बहुत दिल है आई एम एक्साइटेड फॉर सुन मेरा दिल खैर मैंने मेरे पास तुम हो नहीं देखा हुआ देखें किसने रोका चले उसके बाद पहले वो कहती है

उसके बाद है सारा सारा मोना सारा मोना लव तुम्हारे इज माय इज आल्सो माय फेवरेट सॉन्ग आर चीज विद ओनली अपील टू पीपल हुआ बट वी शुड नॉट बी सो हार्श ऑन न्यू एक्टर्स इवन इफ दे आर नेपो बेबीज एज इट इज एज इट इज जस्ट देयर फर्स्ट प्रोजेक्ट लाइक लाइक वन कांट वन कांट कांट कंपेयर करीनाज रेफ्यूजी विद हर जाने जा आई एम श्योर ऑल ऑफ देम विल इंप्रूव ओके रेफ्यूजी में करीना ने बहुत अच्छा काम किया हाँ। तो मुझे बहुत पसंद मुझे भी पसंद है मुझे अभिषेक नहीं पसंद था रेफ्यूजी में था लेकिन करीना ने अच्छा काम किया अच्छा खैर फातिमा सिटी कहती है जुक बॉक्स सेगमेंट इज वेरी यूजफुल एंड मीनिंगफुल बिकॉज़ इट हेल्प्स मी टू रीडिस्कवर माय फेवरेट सॉन्ग व्हिच आई हैव लॉस्ट ओवर द इयर्स एंड नाउ आई रिमेंबर देम अगेन एंड कैन रिवाइव ऑन माय मेमोरीज थैंक यू अरसलान अनबोन वेलकम थैंक यू उसका कैंडिक कैंडिकेश कहते हैं कि करश्मा कपूर के चीफ सॉन्ग पर जुक बॉस करें बड़ा मज़ा आएगा और किशोर कुमार पर भी करें ये कृष्णा कपूर के चीप सॉन्ग का आपने उनको डीएम करके कहा था ना कि कहीं कमेंट करें नहीं क्योंकि आपके सारे मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ये एग्जैक्ट वहां कैसे पहुंचा हाँ। डायरेक्ट वहां आपने लैंड किया और है मुझे है तो मुझे कभी मैसेज भी नहीं किया मैं सही कह रहा हूँ ये जो है ये ऐसा लगता है और बात बताऊं कृष्णा कपूर के गाने हैं जिससे ये जो बॉक्स है कॉन्सेप्ट उधर से कंसीव हुआ है हाँ, तो ये जो है ना जरा देखना पड़ेगा बहुत, बहुत आप इंटेलिजेंट बहुत अगर नहीं आप चाहते हैं तो कृष्णा कपूर स्पेशल हो सकता, हो सकता है।, है लेकिन एक शर्त पे हाँ। के हेयर स्टाइल भी फिर कृष्णा कपूर वाले होने <laughs> चाहिए <laughs> फिर तो डेढ़ सौ हेयर स्टाइल होंगे <laughs> हर गाने पे डिफरेंट हेयर स्टाइल और हर गाने में तीन तीन हेयर स्टाइल्स चलो ठीक है चलो अच्छा फिर वो कहते हैं जी आ, नादिया अख, अख्तर है वो कहते हैं कैन यू डू नयाब ट्रेड रिव्यू कर लिया, लिया।, लिया। मोहम्मद मेहर कहते हैं अली जफर केस का क्या बना कुछ कंक्लूसिव समझ नहीं आया बॉस मैशा शफी राइट और द एक्विजन वर रॉन्ग वॉच ड्रामा सीरियल ग्रे अप टू डेट कहते हैं आई लव क्रेला इसका पार्ट टू भी आएगा यस yes, सुना है मैंने आएगा okay. उसके बाद हाउसेले कहते हैं हासिम सेन का एज अ डायरेक्टर फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज आल्सो विद माया ली वेयर ही इंट्रोड्यूस माया इन एक थी सिंड्रेला नो एक नहीं सिंड्रेला नो no. okay. आसिम हासिम हुसैन का पहला प्रोजेक्ट वाज नूरपुर की रानी मुझे नहीं पता है उसका पहला क्या उससे भी पुराना हो सकता है शायद

सिलेक्शन और, और मून ने जिस तरह जल्दी जल्दी सॉन्ग्स को गाया है मैं भी टीन में ऐसे क्या करता था जस्ट टू कम्प्लीट जाने जहाँ मुझे प्यारे अफजल टू तो लग रहा है ओके आ, हमाद अली बारवी पे हंस रहे हैं कौन सी बारवी बारवी की तो बात की ही नहीं पता नहीं, नहीं। उसके बाद शाहजी टॉक्स कह, कहते हैं रिव्यू जुरम चिट्टा बैड बॉय इनमें से मुझे किसी किसी एक का की फिल्म का भी नहीं पता प्लीज़ मुझे बताएं ये कहाँ पे है तो हम देख सकते हैं उसके बाद ऐसे बात कहते हैं असलाम मून भाई अरसलान भाई आप हैरी पोटर वाले वाला और हातिम ड्रामा एट्सेट्रा इस पर भी डिटेल रिव्यू करें जो जो आपको पसंद हुए उन सब उन सब पर भी आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं ये डक्की जैसे लोग और कमल जैसे लोग जिनको बात करना नहीं आता है Uh, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है भाई एंड माई विश मून भाई अरस्लान भाई बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल शो आपका मैं बहुत बहुत वेट करती रहती हूँ अपलोड होने का थैंक यू सो मच असल सच्ची मुझे ये भी ना दुख है अनुराधा पोडोवाल हाँ। का और एक दूसरे सिंगर का कविता कृष्णमूर्ति इनके गाने सबको पता होते जानता कोई नहीं कविता का हम लेके आएंगे तो उस दिन गाने होंगे वो उस दिन पूरा मीनिंगफुल कविता का ही होगा फिर हम एक मीनिंगफुल फुलता कर सकते हाँ, हैं जिस दिन न्यूज है हो खैर कोई नहीं असद व्यूज कहते हैं हो जाता हूं, हो, होते हो मून बेचारा जो सॉन्ग बताने लगा ये ने ने मैं स्टोरी बताऊंगा नहीं।, नहीं मैं बताऊंगा बताने लगता है आप कहते हो ये तो मैंने करना है इट्स नॉट फेयर ब्रो मेरे पास पिछले हफ्ते के नोट्स पड़े हैं नोट्स पड़े हैं रुक जाए ना मैं देख लेता हूँ उन नोट्स पे बायदा लिखा हुआ था अरसलान लिस्ट मून लिस्ट इसने मेरे मेरी लिस्ट से गाना उठाया है नहीं। मैं ये इधर साबित कर नहीं, सकता हूँ नहीं, नहीं मैं कर सकता हूँ वो डायरी हुई और तो नहीं डायरी नहीं, यही है डायरी तो यही है।, है लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ की ये

अच्छा लिमी फोर सेवन फोर कहते हैं रिक एन मोर्टी साउथ पार्क कार्टून बॉक्स एनिमेशन दे आर ग्रूसमली हिलेरियस यस और इवन सिमसन एंड सो ऑन आर सम एग्जाम्पल्स एडल्ट कार्टून्स इन द सेंस दैट देर मेड फॉर एन ओल्डर डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक एंड नॉट प्राइमरीली फॉर किड्स आई रिमेंबर माई पेरेंट्स वॉचिंग दैम एंड नॉट लेटिंग अस वॉच अलॉन्ग वी आर अलाउड टू वॉच बारनी लेजी लेजी टाउन बेबी लोनी टून ड्रैगन टिल्स एंड स्पेशल एजेंट ओसो एज वेल वर्ल्ड बाकी सेफ गार्ड टाटा पैक मिल्क टेयर डिटोल वॉरियर्स बाबा बंदूक तो ना नेम ऑफ यू वर आवर फेवरेट ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट वेटिंग फॉर द स्कूल गुड अच्छा उसके बाद ऐसे कहते हैं अलव मूवी मुझे, मुझे यूनिवर्सिटी में एनिमेशन मूवीज का शौक हुआ था वो भी मेरी एक क्लास फेलो थी जिसकी वजह से वो भी शौक से देखती थी उसने हमें भी शौक डाल दिया nice. उसके बाद ऐसा भी कहते हैं अमून आज तो आप बहुत प्यारे लग रहे हो विथ कप